हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन के एग्जामिनेशन डेट के साथ कर्नाटका का जो सेकंड पीयूसी एग्जामिनेशन है, प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ये क्लैश हो सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन निकल क्या रही है। अब सेकंड पीयूसी एग्जाम क्या है, तो ये बता दूँ आपको, कर्नाटका का एग्जामिनेशन है, ये आपका प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन एग्जामिनेशन है। और कर्नाटका में ये होता है क्लास 12th या फिर प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट एनुअल एग्जामिनेशन, इसको कह सकते हो क्लास 12th के ही उसको कहा जाता है ये एग्जामिनेशन। अब देखो, पीयूसी एग्जामिनेशन जो है ये आपका 16 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में शेड्यूल किया गया है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। और एनटीए का भी जो सेशन रिलीज किया है, इसमें अप्रैल और मई में एग्जामिनेशन होंगे। और एनटीए ने अप्रैल सेशन का जो शेड्यूल है वो 16 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में रखा है। तो इससे ये उम्मीद लग रहा है कि दोनों के एग्जामिनेशन डेट्स क्लैश हो रहे हैं, दोनों के एग्जामिनेशन डेट्स क्लैश हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उम्मीद की जा रही है कर्नाटका सेकेंड पीयूसी एग्जाम जो है इसको मे बी पोस्टपोन करके अप्रैल 26 से कर दिया जाएगा। तो इससे स्टूडेंट्स को फायदा रहेगा, ताकि जो जेई मेन एग्जामिनेशन जो बच्चे दे रहे हैं, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, IIIT, NIT, GFTI के लिए, उनके एग्जामिनेशन खराब ना हो। अब ये जो कर्नाटका क्लास 12th एग्जामिनेशन डेट्स है, आपको पता है ये 16 अप्रैल से अनाउंसमेंट कर दिया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और कर्नाटका के जो बच्चे हैं मैथमेटिक्स एजुकेशन बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जो साइंस के बच्चे हैं, जो और भी अदर फील्ड के बच्चे हैं, उस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है जेईई मेन एग्जामिनेशन साइंस के बच्चे ही देते हैं जिनमें उनका मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है। अब कर्नाटका पीयूसी एग्जाम डेट जो है वो जेईई मेन के साथ क्लैश कर रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जेईई मेन एग्जामिनेशन तो अपने तय समय पर लिया जाएगा, लेकिन कर्नाटका एजुकेशन बोर्ड मे बी इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दे, और कर्नाटका एजुकेशन विल पोस्टपोन द एग्जाम एंड विल रिलीज न्यू एग्जाम डेट्स, नए एग्जामिनेशन डेट्स के अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है ऑथोरिटीज के द्वारा। एक बार डेट देख लेते हैं तो देख सकते हो 16, 17, 18, 19, 20, 21 के आपके एग्जामिनेशन है, और इसी बीच में कर्नाटका पीयूसी के भी एग्जामिनेशन है, तो दोनों डेट क्लैश हो रहे हैं। ये देखो, ये कर्नाटका के एग्जामिनेशन है सेकेंड पीयूसी के, 16, 18, 19, 20, 21 मैथमेटिक्स है आपका, देन उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, 20 को हिस्ट्री और फिजिक्स है, देन उसके बाद 21 को तमिल, तेलुगु, मराठी, संस्कृत, अरबिक, फ्रेंच, यानी कि लैंग्वेज एग्जामिनेशन है। तो ये डेट क्लैश हो रहे हैं, तो बच्चे के मन में डाउट है कि इस तरह से एग्जामिनेशन देंगे, तो मे भी हो सकता है कि जो सेकेंड पीयूसी एग्जामिनेशन है इसको डेट को आगे बढ़ा दिया जाए और एग्जामिनेशन आपका 26 से कंडक्ट कराया जाएगा। ये तो हो गया आपका पूरा इन्फॉर्मेशन पीयूसी एग्जामिनेशन को लेकर। जेईई मेन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 1 मार्च को रिलीज किया गया है, और एग्जामिनेशन 2 सेशन में होंगे, इसके बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। जेईई मेन एग्जामिनेशन अप्रैल और मई में लिया जाएगा, और बच्चे दोनों सेशन का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा क्वालिफाइंग स्टेटस के लिए। कर्नाटका के जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है वो शेड्यूल 16 अप्रैल से है, मे बी पैंडेमिक के वजह से एग्जामिनेशन को लेट किया जा रहा है, और थोड़ा सा लेट हो सकता है, 10 दिन और लेट हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ है आप सभी के लिए। देखो, एग्जामिनेशन आपके पोस्टपोन हो सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @PallavasuFilms। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।